जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने उमरा से वापसी के बाद कुल जमायती मीटिंग की। मीटिंग के बाद साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सरकार पर हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से डराने का इल्जाम लगाया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकजी सरकार सिर्फ सियासत चमकाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। कब तक लोगों को इन्हीं चक्रों में फंसाते रहोगे कि ये होगा और वो होगा? कितना धर्म का इस्तेमाल किया गया, हिंदू को डराया गया कि मुसलमान तुम्हें खा जाएगा, मुसलमान को डराया गया हिंदू तुम्हें खा जाएगा। ये आज से नहीं, ये बहुत वक्त से शुरू हो गया है डराव का माहौल। 22 से 24 करोड़ मुसलमान है, क्या उनको समंदर में फेंकोगे? कहाँ फेंकोगे? उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से डरा रही है, हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से डराया जा रहा। दरअसल गुज़िश्ता रोज फारूक अब्दुल्ला की कवायद में अहम मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियों ने शिरकत की। इस दौरान यहां हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये मांग की कि जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराए जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ की सरकार, यहाँ इलेक्शन आए। हम नहीं चाहते कि एडवाइजर आए या ना एडवाइजर ना आए। हमारा मकसद है स्टेटहुड आए वापस, नॉट ट्रंकेटेड स्टेटहुड। यस, वी वांट अ पावरफुल स्टेटहुड लाइक एवरी अदर स्टेट हैज द राइट। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस नेशन हैज अ प्राउड स्टेट बीन रिड्यूस्ड टू अ ब्यूटी ट्रेजेडी ऑफ दिस नेशन। फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का दर्जा बहाल करने की मांग की है। साथ ही कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, ये रियासत सेकुलर रहेगी। अपने खिताब में फारूक अब्दुल्ला ने दोहराया है कि कोई हिंदू खतरे में नहीं, मुसलमान भी भारत का हिस्सा है जहां सब मिलकर रहते हैं और रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।